हेलो दोस्तों, व्हाट्सएप एंड वेलकम टू माय चैनल। तो दोस्तों अभी अभी हम अमृतसर पहुंच गए हैं और आज है गुरु नानक देव जी का बर्थडे, तो चलते हैं अब गोल्डन टेंपल की ओर। गाड़ी भी घुस जाती है अंदर। एक क्विंटल का वजन उठा के जा रहे हैं। जो दिन है वो गुरु नानक देव जी जयंती दिन है और आज के दिन लाखों की संख्या में लोग आते हैं यहाँ पे दर्शन करने के लिए, माथा टेकने के लिए और लंगर चखने के लिए। तो दोस्तों सब मिलके बोलो वाहेगुरु की खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। और जो ये आप व्यू देख रहे हो, ये है अमृतसर के बाहर का व्यू, गोल्डन टेम्पल। हम यहाँ अंदर से जाएंगे तो अंदर आपको गोल्डन टेम्पल देखने को मिलेगा। अपना कोई भी कीमती सामान और जूते वगैरह रख सकते हो, वो आपको टोकन देते हैं और कितने भी घंटा यहाँ पे रख सकते हो और अंदर जाके दर्शन करके वापस आके यहाँ से सामान अपने कलेक्ट कर सकते हो। ज़्यादा मतलब तो है यहाँ पे होता है स्नान गुरु नानक देव के दिन में। देखिए आप देख सकते हैं गोल्डन टेंपल, और रात का जो इसका व्यू है वो बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही नज़ारा जो देखने का मिलता है गोल्डन टेंपल का, इट लुक्स वेरी ऑसम। और आज का दिन तो बहुत ही बड़ा दिन है और यहाँ पे लोग जैसे मैंने आपको दिखाया स्नान करते हैं और बहुत धर्म होता है यहाँ पे आके स्नान करने। तो सिर्फ सिख ही नहीं बल्कि हिंदू क्रिश्चियन सारे लोग यहाँ पे आके इस गुरु नानक देव के हैप्पी बर्थडे में यहाँ पे आके स्नान करते हैं और गोल्डन टेंपल जाके अंदर दर्शन करते हैं। तो दोस्तों आप भी आइए इस दिन लंगर घर गोल्डन टेंपल का और देखिए कितने श्रद्धालु आ रहे हैं आज के दिन में और लंगर छकने के लिए। तो बड़े भाग्यशाली है जो वाहेगुरु ने यहाँ आज के दिन शुभ दिन में इन्होंने बुलाया सबको और अब हम भी जाते हैं लंगर छकने के लिए। तो यही है गोल्डन टेम्पल का सबसे लार्जेस्ट कम्युनिटी किचन वर्ल्ड का है जो वो गोल्डन टेम्पल का है और यहाँ पे गुरु नानक देव जी के बर्थडे में लाखों से भी ऊपर संख्या आती है यहाँ पे भोजन, यहाँ पे प्रसाद चखने लंगर के। और मजे की बात ये है यहाँ हर दिन 365 दिन 1,00,000 से भी ऊपर लोग यहाँ पे आते हैं प्रसाद चखने के लिए। तो ये है वर्ल्ड का सबसे बड़ा कम्युनिटी किचन जो कि है हमारे भारत में। गोल्डन टेंपल का ये खास बात है कि यहाँ पे जो भी लंगर खाते हैं और लास्ट में अगर बच जाता है तो उनको कूड़ेदान में फेंकते नहीं है। यहाँ पे देखिए आप इतनी सारी रोटियाँ हैं रखी हुई, सारी इकट्ठी इन्होंने रख दी है तो ये सारी सूख जाएगी और सारे जो बर्ड्स है, पिजन्स है, बहुत सारे यहाँ पे जो भी जीव जंतु है यहाँ पे आके अपना भोजन करते हैं। तो मुझे ये चीज़ देख के बहुत अच्छा लगा बहुत कि हम तो इतना जो एक्स्ट्रा फूड हमारा बनता है हम डस्टबिन में फेंक देते हैं, बट यहाँ जो मैंने रूल्स देखा है गोल्डन टेंपल में इट्स वेरी गुड कि वो कहीं नहीं फेंकते, यहाँ पे रख देते। तो ये बहुत ही अच्छी बात है, हमें भी कुछ अच्छा सीखने को मिला है। दोस्तों आइए दिखाते हैं वर्ल्ड का सबसे
पीछे हैं बहुत सारे सेवादार, रोटियों में वो घी लगा रहे हैं, सब सारा बहुत सारा मेहनत कर रहे हैं और जो प्रोसेस यहाँ देखने को मिला बहुत ही अच्छा है। तो दोस्तों मैंने तो आज तक इतनी बड़ी आटा गूंदने की मशीन कहीं पर भी नहीं देखी है और आज पहली बार देखी है, वो देखी है मैंने अमृतसर में। और इस मशीन में देखो आप देख सकते हो 80 किलो आटा गूंद सकते हैं। और ये हमारे भाई जी बहुत अच्छे हैं, इन्होंने सारा इनके बारे में बताया। ये इतने बड़े बड़े बर्तन हैं, यहाँ पे यहाँ से पानी डालते हैं वहाँ पे और बटन वगैरह ऑन करके, मतलब यहाँ तो लोगों का पर डे में यहाँ पे खाना बनता है। आपको कहीं पर भी कोई रेस्टोरेंट होटल में ये मशीन देखने को नहीं मिलेगी, सिर्फ आपको अमृतसर में ही ये होटल ये मशीन आपको आटे गूंदने की देखने को मिलेगी, जो कि इटली स्पेशल इटली से मंगवाई गई है यहाँ पे अमृतसर में। तो आप भी अमृतसर आइए और दर्शन के साथ साथ में थोड़ा और भी एक्सप्लोर करिए, जानिए इसके बारे में कि क्या है क्या नहीं। यहाँ पे
पे चावल बहुत चार पानी चावल में, दोस्तों देख सकते हो आप यहाँ पे चावल धुल रहे हैं ये, और चावल पांच पानी से धोते हैं और धो के इस कढ़ाई में अभी डालेंगे, और यहाँ पे 400 किलो खीर बनेगी इस पतीले के अंदर। तो ऐसे ऐसा दृश्य आप अमृतसर में कभी नहीं देखा होगा, और आपको ये दृश्य हम दिखा रहे हैं हमारे चैनल के थ्रू। ये इंडिया का सबसे लार्जेस्ट कम्युनिटी किचन है, और यहाँ पे पतीला 400 किलो से भी दाल है, और यहाँ इस साइड ये चावल है, ये चावल धोते हैं पांच बार पानी से, चावल धो के चावल एकदम फ्रेश बनाते हैं। आप अपने घरों में किचन में भी इतना फ्रेश नहीं बना मिलेगा जो कि आपको इस गुरुद्वार में खाने को मिलेगा। और आप जैसे कि जानते हो कि एक दिन में लाखों से भी ऊपर यहाँ पे श्रद्धालु आते हैं खाना खाने के लिए, और आज का दिन तो आप जानते हो आज बहुत ही बड़ा जयंती है गुरु नानक जयंती, और इसी मौके पे हमको यहाँ पे आने का शुभ दे मिला है, अच्छा मौका मिला है, और हमें ये काम करने का मौका मिला है। थोड़ा ही कर रहे हैं, बट ये काम करके हमें बहुत खुशी मिल रही है। एक तरीके से एक्सरसाइज भी हो रही है इसमें, प्रॉपर वर्जिश हो रही है हाथों की। इधर देखो जैसे कि आप देख सकते हो इतनी सारी दूध की पैकेट है, और इन सब दूध की पैकेट से बनेगी खीर। वेरका का दूध सवेरे सवेरे प्लांट तो आ जाता है जी, यानी वेरका के प्लांट से डायरेक्ट यहाँ पे वेरका दूध मेला मंगाते हैं। यहाँ पे अभी 9 क्विंटल का कढ़ाया है ये, जिसमें एक टाइम में 9 क्विंटल दूध डाला जाता है, उसकी खीर बनाई जाती है। और ये सुबह से आज का तीसरी बार है ये जो खीर बन रही है। इतनी ज्यादा संख्या में यहाँ पे श्रद्धालुओं के लिए खीर सेवा दिल से होती है, दिलों से। सब मिलके बोलो वाहेगुरु की खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। तो ये जो किचन मैंने आपको दिखाया है ये भट्टी घर है, और आपको कभी कहीं किसी भी वीडियो में, और आपने अमृतसर आके भी आपने नहीं देखा होगा कि घर मैंने जो आपको दिखाया ये पुराने जमाने में भट्टियों से ही खाना बना के पका करके खाया करते थे, लेकिन आज के जमाने में आपने किचन गैस यूज करने स्टार्ट कर दिए, जिससे आपकी प्रॉब्लम होती है एसिडिटी होती। तो ये एक जगह है अमृतसर का गोल्डन टेम्पल, जहाँ पे आज भी आप देख सकते हो भट्टियाँ चल रही है, बड़ी बड़ी बर्तने लगे हुए हैं, बहुत ज़्यादा क्वान्टिटी में खाना बन रहा है, दाल की हर चीज़ के, और हज़ारों से भी ऊपर दूध के पैकेट आए हुए हैं। तो ऐसा प्रसाद आपको कहीं पर भी खाने को नहीं मिलेगा। आइए और चखिए यहाँ का स्वाद अमृतसर, आइए।
चीज़ आपको गुरुद्वार में देखने के लिए मिलती है वो चीज़ आपको कहीं पे भी नहीं देखने को मिलेगा। यहाँ पे इतने प्यार से यहाँ पे प्रसाद मिलता है और इतने श्रद्धा से ये लोग सब काम करते हैं, किसी को कोई भी काम करने में परेशानी नहीं हो रही है। मतलब गुरुजी इनको इतना ताकत देते हैं सभी को। तो मेरे को यहाँ पे अमृतसर मतलब गुरुद्वार सिखों का गुरुद्वार में आके मुझे ये चीज़ बहुत अच्छी लगी और ये चीज़ कहीं पे भी आपको देखने को नहीं मिलेगी, ये चीज़ सिर्फ आपको गुरुद्वार में ही देखने को मिलती है। यहाँ देखिए इतने सारे बर्तन हैं जो कि बिल्कुल साफ़ है, एकदम चकाचक चांदी की तरह। ऐसे बर्तन आपको घर पे भी नहीं मिलेगा, इतना साफ़ सुथरा। यहाँ पे देखो थाली में भी आपकी सकल देखने को मिलेगी शीशे की तरह चकाचक। ये देखिए आप इतने सारे प्याज छिल रहे हैं। मैं तो यहाँ पे खड़ा होके कैमरा शूटिंग कर रही थी लेकिन मैं कैमरे की ओर देख भी नहीं पा रही थी, आंखें बिल्कुल पानी पानी हो गई थी मेरी। और इनमें कितनी ताकत और कितना श्रद्धा है कि वो इतनी मेहनत से काम कर रहे हैं। यहाँ पे देखिए इतने सारे अदरक हैं और ये सारी अदरक अब घुसेगी चाय में, तो सोचो कितनी चाय बनती होगी कि इतना अदरक का इस्तेमाल होता है। यहाँ पे सारी जनानियाँ एकदम एकत्रित होके प्यार से काम कर रहे हैं, बिना शोर से मटर छील रहे हैं। और देख सकते हैं आप कितने सही से, कितने मन से, लगन से, धर्म से, सब कुछ अपना घर भर सब भूल भाल के यहाँ पे सेवा कर रहे हैं। एकदम बहुत ही खूबसूरत दृश्य। हम दसवंत निकाल रहे हैं तो वो जरूरी नहीं है कि मैंने बोला मंदिर गुरुद्वारे में, तो आप किसी गरीब बच्चे की पढ़ाई के लिए या शादी के लिए आप वहीं पे भी डोनेट कर सकते हैं, तो वो भगवान शायद वहाँ ज्यादा खुश होगा। मशीनों से कैसे रोटी बनती है उसका सारा प्रोसेस मैंने पहले आपको दिखा दिया, तो अब आप देख सकते हैं मतलब घर में जैसे हाथों की रोटियां बनती है वैसे ही यहाँ पे हाथों से ही रोटियां बनती है, बहुत ही साफ सुथरा और बहुत सारे क्वांटिटी में यहाँ पे रोटियां मिल रही है। तो हम भी यहाँ पे आके अपना हाथ धो के अपने यहाँ पे सेवा कर सकते हैं।
दोस्तों हम इस किचन का स्टोर दिखाते हैं। यहाँ आप देख सकते हो ये गेहूँ है, बहुत सारे गेहूँ की बोरियाँ लगी हुई है बहुत सारी। तो आइए चलते हैं स्टोर के अंदर, बहुत सारी बोरियाँ चावल हर जगह। स्टोर तक पहुँच गए हैं हम आज अमृतसर के कम्युनिटी वर्ल्ड लार्जेस्ट किचन के स्टोर रूम में पहुँच गए। गाय दिखा रहे हैं तो गाय से बोलते हैं सदा वो उसकी सेहत बनती है, हमारी प्रोटीन टाइप का स्टोर यहाँ का। और हर एक बड़े बड़े हॉल है स्टोर में, बहुत सारे रूम्स की जगह बहुत बड़े बड़े हॉल है और हर एक हॉल में अलग अलग चीजें आती है। स्टोर के अंदर भी गाड़ी घुस जाती है, मतलब इतना बड़ा स्टोर है कि गाड़ी भी घुस जाती है अंदर। एक क्विंटल का वजन उठा के जा रहे हैं। तो यहाँ देखिए इतने सारे देसी घी के डब्बे हैं इस स्टोर में। ये तो हर एक स्टोर अलग अलग है और इस स्टोर में है सारे देसी घी के डब्बे। तो ये हमने लंगर लिया है और लंगर खाएंगे अभी गुरुद्वार में। अब थक गए थोड़ी बहुत, बैठ गए हैं आप यहाँ पे और लंगर खा के थोड़ी देर। सिर पे कपड़ा लीजिए, अगर आप गुरुद्वार आ रहे हो तो कोशिश करना कि सलवार सूट पहन के आए और सर ढक के आए, क्योंकि यहाँ पे अनिवार्य है सबको सर ढकने का।
तो दोस्तों, अगर आप गोल्डन टेंपल को अच्छे तरह से एक्सप्लोर करना चाहते हो तो पूरा दिन लगता है। मैं हम सुबह आए थे यहाँ पे 10 AM पे और अभी रात की 7 बज रही है और पूरे अच्छे से हमारे दर्शन भी हुए, प्लस हमने सारा कुछ अंदर किचन स्टोर रूम सब कुछ अमृतसर का हर एक चीज़ हमको यहाँ पे देखने को मिला। ये अमृतसर का सर्कल है और पास में ही है जलियांवाला बाग। तो ये जो जलियांवाला बाग है उनकी एंट्री होती है यहाँ से, तो यहाँ से जाके आप जलियांवाला बाग देख सकते हैं। ये भी गोल्डन टेम्पल के पास में ही है। गोल्डन टेम्पल एंट्री से पहले आपको यहाँ पे ऐसे बहुत ही खूबसूरत ऐसे बिल्डिंग सी देखने को मिलेगी और प्यारा सा छोटा सा नीचे मार्केट लगा हुआ है। और हम आए अपने फ्रेंड ज्योति के साथ। देखिए पूरा मेला लगा हुआ है आज के दिन में। तो ये है अमृतसर और अमृतसर के मार्केट में आपको बहुत सारी पंजाबी सूट जूतियाँ कलरफुल बहुत सारे आइटम्स यहाँ पे मिल जाएंगे। और देखिए आप मार्केट सारा बहुत ही नज़ारा बहुत ही अच्छा है, खूबसूरत है। अब थोड़ी देर में ही हम जाने वाले हैं गोल्डन टेंपल की ओर। तो आइए दोस्तों, कम मूव विथ मी। अरे अरे अरे, यहाँ पे मेरे कुछ खूबसूरत फोटो जो कि गोल्डन टेंपल के सामने लिया गया है और मैं अपने फोटो स्वीट कान्हा जी के साथ क्लिक किया है, प्लस किचन में भी क्लिक किया और बहुत अच्छा लगा। तो सब मिलके बोलो, जाओ मत, अभी तक ब्लॉग बाकी है, मिलके बोलो मेरे साथ। सत्य नाम शिवाय गुरु, सत्य नाम शिवाय गुरु, सत्य नाम श्री वाहेगुरु। वाहेगुरु की खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। तो इसी के साथ मैं अपने ब्लॉग को एंड करती हूँ। होप यू लाइक माई वीडियो एंड प्लीज लाइक माई वीडियोस, सब्सक्राइब माई चैनल एंड कीप सपोर्टिंग मी। तो सब मिलकर बोलो वाहेगुरु की खालसा एंड वाहेगुरु जी की फतेह।